गाइस वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग हाय बच्चों कैसे हो <laughs> तो बेटा साठ दिन की स्ट्रैटेजी हम बताएंगे बायोलॉजी के लिए ठीक है तो बहुत ही अमेजिंग सी चीज बताने वाला हूँ बहुत सारे बच्चे हमें पूछ रहे थे कि सर सैंपल पेपर डिफिकल्ट आया है सैंपल पेपर इजी है है ना कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या मैं अभी स्टार्ट करूँ तो क्या मैं टॉप कर सकता हूँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा कुछ लोग कह रहे हैं कि सर दिल में धक 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 हो रहा है क्या करना चाहिए ठीक है तो ऐसी बातों के बीच में बेटा जल्दी ओपी राइट तो ऐसी बातों के बीच में हमने कहा आपको बता देते हैं दिन क्या करना है ओके वॉट यू शुड डू इन सिक्सटी डेज तो भाई जल्दी से मेंटी ज्वाइन करो नाइन टू फाइव सिक्स टू थ्री नाइन फाइव हम मेंटी की मदद से आज बहुत ही अमेजिंग तो सेशन करने वाले हैं ठीक है मेंटी करेंगे पहले साथ में मेंटी के साथ साथ हम सेंटी होंगे ठीक है जल्दी से ज्वाइन कर लो मेंटी कम ऑन हाय बेटा इटालिया बेटा और किसी को अपना नाम वाम लेना है बता दो सबके नाम वाम लिए जाएंगे तो बच्चों जल्दी से मेंटी ज्वाइन कर लो और बताओ जिंदगी कैसी चल रही है जल्दी से मेंटी ज्वाइन कर लो जिंदगी कैसी चल रही है जिंदगी आबाद बर्बाद अब क्या बताऊं जाने दो <laughs> जिंदगी आबाद हो बर्बाद हो कि अब क्या बताऊं जाने दो क्या है बताओ बेटा आनंद आनंदू टी हाय बेटा आलिया हाय बेटा सिमरान जल्दी बताओ हाउ जिंदगी आबाद है <laughs> छह लोग बर्बाद हैं बाकी बच्चे कह रहे हैं सर क्या बताऊं जाने दो अरे यार क्या हो गया बेटा बताओ यस बेटा आलिया यस हाय बेटा हिमांशु जल्दी बताओ जिंदगी कैसे चल रही है फिर आगे बातें करेंगे ठीक है <laughs> <laughs> मुरा रहा कंफ्यूज कैटेगरी है ये कंफ्यूज कैटेगरी है बच्चे मोस्टली कंफ्यूज है कि क्या ही बताएं सर छोड़ो रहने दो है ना चलो आगे चलते हैं तो यार बेटा तो या। तो या एक बात बताओ पहले कितने बच्चों ने जो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सैंपल पेपर डाला था केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का साथ में मैनुअल अनुभव हमने एक सेशन लिया था क्या आपने वो देखा सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है वो मैंने अनुभव मैम ने साथ में सॉल्व करा था है ना क्या आपने वो सेशन देखा है बताओ क्या आपने सेशन देखा है यस और नो वीडियो का वीडियो देखा बताओ बहुत ही अमेजिंग सर क्वेश्चन पेपर था बेटा सैंपल पेपर अनुभा मैम ने तो बताया कि जितने क्वेश्चन है सारे उन्होंने कराए थे एंड बायोलॉजी तो इतनी इजी थी इतनी इजी थी मैं क्या ही बताऊं कि कितनी इजी थी यस <laughs> बताओ yes. बेटा यस स्पेसिमेन वीडियो पेपर का सॉरी स्पेसिमेन पेपर का वीडियो देखा तो बहुत सारे बच्चों ने देखा है कुछ बच्चों ने नहीं देखा है, नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच ठीक है आपको पता चलेगा किस तरह का आने वाला है बहुत ही इजी पेपर आने वाला है बेटा सारा एमसीक्यू नो नेगेटिव मार्किंग तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ठीक है नाउ व्हेन यू सी अरे इसमें लीडर बोर्ड भी है चलो सब बच्चों ने आंसर करा है तो ग्रेट है माइथली अब अब बेटा बेस्ड ऑन द पेपर देखो पूरा साइंस का पेपर सॉल्व करो पूरा मैथ्स का पेपर सॉल्व करो है ना पूरा एस का पेपर सॉल्व करो पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व करो ठीक है तीन तरह के बच्चे होंगे एक हलवा बच्चा जिसको लगा होगा कि भैया जिसने मोर देन एटी परसेंट स्कोर करा है वो हलवा बच्चा है मतलब मतलब उसको लगता है पेपर इज वेरी हलवा ठीक है बेटा अगर आपने मोर देन एटी परसेंट क्वेश्चन सही कर लिए तो मतलब मतलब कम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे सिर्फ फिफ्टी क्वेश्चन करने थे उसमें से आपने बस ट्वेंटी फाइव कर पाए या ट्वेंटी फाइव भी नहीं कर पा देन यू आर जिंदगी तबाह होने वाला बच्चा ठीक है

है ना 25 से 40 के बीच में देन लेस देन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जिंदगी तबाह आप जिंदगी तबाह वाली कैटेगरी में हो ठीक है तो यस वेरी गुड अद्वैत गॉट 96 सिक्स परसेंट इन सैंपल पेपर ग्रेट जॉब बेटा परफेक्ट तो लेट मी टेल यू बेटा अगर आप हलवा और ओपीओ ठीक है अगर आपको पेपर हलवा लग रहा है तो बेटा यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स आई वुड से आप थोड़ा हायर लेवल पढ़ना स्टार्ट कर दो आप थोड़ा हाई लेवल पढ़ना स्टार्ट कर लो आप एन की तैयारी शुरू कर दो ठीक है आप जेई फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर दो जो टेंथ में बच्चे ना बेटा अगर आप फ्यूचर में जाके साइंस लेने वाले हो ठीक है आप फ्यूचर में इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो ठीक है तो व्हाट यू शुड डू इज बेटा यू शुड ऑप फॉर अ जेई फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट कर दो ठीक है और या फिर एन की प्रिपरेशन करो समझ लो इससे हो तो Then, क्या होगा आप हायर लेवल पढ़ोगे क्योंकि क्लास बेटा मतलब जिन बच्चों को लगता है कि हाँ सर मीडियम तैयारी है, है ना हलवा बच्चा मतलब जिसकी तैयारी एकदम खत्म हो रखी है मतलब उसने पूरी तैयारी खत्म कर रखी है उसको क्या करना बेटा एनटीएससी और फाउंडेशन की तैयारी करनी है अभी ठीक है और उस बच्चे को जिसको लगता है कि मीडिया तैयारी है, है उसको है बेटा बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और अगर आपको लगता है कि हम भी एनटीएससी और जेई फाउंडेशन कर सकते हो तो वो करना चाहिए ठीक है थीके? समझ पा रहे हो मेरी बातों को नाउ डू यू प्रिपेयर फॉर जेई बेटा हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर जेई लाइक अंडरस्टैंडिंग द सेम कॉन्सेप्ट एट लिटिल हायर लेवल

वेदांतु के फाउंडेशन कोर्सेस है वेदांतु का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो उसमें कर सकते 12th, start, you know, courses, Then, kids, जिनको लगता है कि सर बिल्कुल तैयारी नहीं है मैथ्स माई मैथ इज वेरी वीक माई साइंस इज वेरी वीक है ना आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल पास और नॉट तो इन दैट केस बेटा आपको YouTube पे हमारी वीडियोस देखो नोट्स बनाओ ठीक है नहीं तो यस सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब सॉल्व करो क्वेश्चंस हम हर सेशन में क्वेश्चंस कराते हैं वो सॉल्व करो हमने इतने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं YouTube पे ही कि आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा ठीक है बट स्टिल आपको लगता है कि नहीं सर मुझे डेडिकेटेड अटेंशन चाहिए तो वेदांतु प्रो में भी है वेदांतु का टर्म वन का क्रैश कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हो उसमें क्या है पूरा का पूरा टर्म वन का सिलेबस विद एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग रिवीजन रिविजन कोर्सेस आपको पूरा का पूरा कराया जाएगा ठीक है एंड द कॉस्ट इज गाइज फाइव थाउजेंड रुपीज अगेन वेदांतों का आज लास्ट डे ऑफर का खत्म हो जाएगा है ना तो यू कैन एनरोल इन टू ऑल दीज कोर्स लेट मी शो इट टू यू Yes, if you see, देखो ये मेरी वीडियो चल रही है है ना इसके नीचे आओगे यू कैन सी यस यहां पे हमारी प्ले लिस्ट है की, पूरी पूरी की प्ले लिस्ट है ठीक है नीचे आओगे इफ यू कैन सी क्लास टेंथ टर्म वन क्रैश कोर्स इस पे क्लिक करो यू कैन सी बेटा द कोर्स क्लासिक इज अवेलेबल फॉर फाइव थाउजेंड रुपीज इसमें क्या होता है यू गेट एक्सेस टू द डाउट सॉल्विंग थिंग ठीक है अगर आपको लगता है कि आपको टर्म वन के लिए स्पेसिफिक चाहिए अटेंशन आपको लगता है यूट्यूब से कर सकते हो यूट्यूब से प्रॉपरली कर सकते हो नो नो no डाउट कि आप वहां पे बिल्कुल नहीं कर सकते मतलब वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो बट अगर आपको लगता है है एडिशनल हेल्प चाहिए तो गाइस आज ऑफ दैट इज एम टेलिंग यू अगेन अगेन एंड बिकॉज कल से ये फिर सेवन थाउजेंड का हो जाएगा क्लासिक में क्या होता है बेटा पूरा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस इंटरक्टिव क्लासेज एनालिसिस असाइनमेंट डाउट सॉल्विंग ऐप भी मिलती है आपको डाउट सॉल्विंग ऐप मतलब अगर आपको कोई डाउट आया है ना तो आप उसकी फोटो खींच के भेज दो एंड आप सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज भी अटेम्प्ट कर सकते हो माइक्रो कोर्स मतलब एक तो बैच है उसके अलावा चैप्टर वाइज कोर्सेज भी है आप वो भी देख सकते हो ठीक है कुछ मतलब मेक मेक यूज यूज ऑफ ऑफ मैक्सिमम इट मतलब हम तो कहते हैं आप इसको पूरा पूरा का पूरा नोट्स डाउनलोड कर लो सीबीएसई के सैंपल पेपर है असाइनमेंट्स है सारे डाउनलोड कर लो और सारा अटेम्प्ट कर लो ठीक है मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट इसके अलावा और क्या है अगर आप देखोगे एनटीएससी का क्रैश कोर्स

फ्यूचर वो उसके लिए आपको प्रिपेयर करता है ठीक है so क्या है हमारी वेदांतों की प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब पे भी आप कर सकते हो इस पर क्लिक करा ये देखो सारी की सारी प्लेलिस्ट है सीबीएससी है क्लास अभिषेक सर स्ट्रैटी बता रखी है मेरी स्ट्रैटेजी तो छोड़ो नॉर्मल क्लासेस भी हमारी है देखो एमसीक्यूज अंधकार एमसीक्यूज कर रखे हम लोगों ने इफ यू सी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सीबीएससी बायोलॉजी टेन है ना अगेन हाउ टू मेक नोट्स ये सब तो ठीक है क्वेश्चंस दिखाता हूं एमसीक्यू बाय मैथ्स एसएसटी के एमसीक्यूज है ना ए इज द बायोलॉजी क्वेश्चंस का है यस आई होप यू अंडरस्टैंडिंग बेटा पूरा का पूरा जो हमारा चैनल है ना 9th एंड 10th 10 वेदांतू का अबे ये क्या हो गया यस इफ यू गो टू द वीडियोस यू विल सी प्लेलिस्ट पे चले जाओ आपको सारे के सारे चैप्टर के आपको मिलेगा ठीक है बहुत मेहनत से हम लोगों ने वीडियोस बनाई है यू कैन गो एंड वॉच एनी ऑफ दीस इट विल डेफिनेटली हेल्प यू बूस्ट योर स्कोर समझ लो एक मिनट बायो का दिखाता हूं मैं आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी नीचे है, देखो वन शॉट वीडियोस हैं ठीक है इफ यू कैन गाइस ऑल दीज आर वन शॉट वीडियो लाइफ प्रोसेस का वन शॉट वीडियो पार्ट टू ठीक है मेक यूज ऑफ दीज जिन बच्चों के भी बिल्कुल कम स्कोर आ रखे हैं ठीक है जिनको लग रहा है कि बहुत ही कम स्कोर आया हुआ है मेरा तो आप इन सब चीजों का यूज करो ठीक है पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस पढ़ाया हुआ है यहां पे देखो ये तो पुरानी वीडियोस है नई वीडियोस भी आ चुकी हैं ठीक है, है समझ लिए <laughs> स्ट्रैटेजी बेटा स्ट्रैटेजी यही है स्ट्रैटेजी यही है, है मेकअप प्लान ठीक है देखो स्ट्रैटेजी यही है अगर आपको 80% परसेंट वाली कैटेगरी में हो नाइनटी फाइव में आप प्रैक्टिस ज्यादा करो क्वेश्चन और अगर आप बिल्कुल ऐसी कैटेगरी में हो जिनको कुछ भी नहीं आता तो बेटा आपको क्या करना है कॉन्सेप्टीडियो स्टार्ट करो स्टार्टिंग से ठीक है स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और अभी आपके पास दो महीने बचे ना सिक्सटी डेज बचे हैं है ना प्लीज स्विच ऑफ योर नोटिस मतलब फोन वगैरह सब फेंक के ठीक है फोकस ऑन द वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस देखो हमारी नहीं तो वी प्रो में आके पढ़ो ठीक है ऑल दीज कोर्सेज टोल्ड यू गाइज दे आर अवेलेबल एट अ वेरी हाई डिस्काउंट कहीं पे भी जाओ यू कैन यूज द कोड ए आर प्रो एंड गेट इट एट हाईली डिस्काउंट प्राइस उस पे कर लो यूट्यूब पे कर लो ठीक है कुछ सवाल है तो पूछ लो मेरे से लेटमी एक बच्चा पूछ रहा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी बेटा फॉलो माई वीडियोस हाउ टू प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी फॉलो माई वीडियोस ठीक है और फॉर साइंस फ्रॉम वेयर टू डू एमसीक्यू बेटा ऑन आर चैनल यूट्यूब चैनल वी हैव डन मेनी बुक्स वी हैव डन मेनी एमसीक्यू क्वेश्चन आर्यन बेटा सर रेफरेंस बुक आई हैव तत्वा बट स्टिल टेल मी बेटा नो अदर रेफरेंस बुक इज नीडेड है ना आप अपने फ्रेंड के स्कूल के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना देखो बेटा ऐसे एक और चीज कर सकते हो आपके आपके फ्रेंड है फ्रेंड्स हैं स्कूल के उनसे आप क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर लो जैसे कि आपके स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर आया आप उनको दे दो उनके स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर आया वो आप कर लो ठीक है एक्सचेंज क्वेश्चन पेपर्स मेक ग्रुप्स एंड यू कैन डू दैट यस बुक बेटा कोई बुक नहीं चाहिए <laughs> <laughs> क्यों करनी है आपको बुक एक्स्ट्रा बुक्स है ना बाकी स्टैंडर्ड बुक्स सबको पता होती है Educard है ऑस वाला है ये सब क्वेश्चन है, है बैंक बना रहे हैं वो हम आपको, आपके साथ शेयर कर देंगे टर्म वन एग्जाम से पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा उसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ठीक है yes, है ना अब दिनेश कुमार कह कुमारे आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड बट आई एम नॉट इंडिपेंडेंट वॉट टू डू बेटा दिनेश कुमार यू विल गेट लोन इफ यू क्वालिफाई एन टी एस सी है ना और अपने कॉलेज में आप अच्छा परफॉर्म करते हो ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ के बाद आपको एग्जाम देना होता है सैट ठीक है यू हैव टू गिव सैट एग्जाम अगर आपने सैट में अच्छा परफॉर्म करा तो कॉलेज विल गिव यू लोन तो लोन ले लेना और जॉब लेके वापस पे कर देना है ना बेटा यू डोंट हैव टू गेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स यू कैन गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड यू कैन रीपे देम ठीक है तो कोई जरूरत नहीं घर वालों से पैसे लेने के लिए डायग्राम एमसी डेफिनेटली बेटा वी विल डू दैट किसी को डाउट है एग्जाम फियर है बेटा एग्जाम फियर से क्या डरना कुछ नहीं डरना वी आर देयर विद यू पीपल है ना एग्जाम से कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है हाँ, इस बच्चे ने कह रहा है दिव्यांश ये सबसे बच्चा पहला हमारा बच्चा है दिव्यांश कह रहा है सर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया दिव्यांश बेटा कोई बात नहीं आप अभी अभी के एंड सब्सक्राइब करो है ना वहां पे जाके हर हफ्ते एक एक चैप्टर फिजिक्स का एक चैप्टर केमिस्ट्री का एक चैप्टर मैथ्स का एक चैप्टर बायोलॉजी का एक चैप्टर इंग्लिश का एक चैप्टर एस का ठीक है सबका एक एक चैप्टर कर लो है ना धीरे धीरे होता है धीरे धीरे होगा यूट्यूब से स्टार्ट करो ठीक है अगर आपको चाहिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो वी प्रो पे सब्सक्राइब कर लो टर्म वन का क्रैश कोर्स है जो मैंने बताया है, आज फाइनल डे है बहुत डिस्काउंट पे हैवी डिस्काउंट पे यू कैन यूज दैट ठीक है यस लिंक मैंने बताया था यू कैन यूज द कोड ए आर प्रो और कुछ आखिरी सवाल बेटा फिर मैं बंद करता हूं इसको लास्ट क्वेश्चन सर इज एक्चुअल बोर्ड पेपर इजी और सैंपल पेपर बेटा इसी का बेटा सैंपल पेपर वॉज ईजी ऑनली बोर्ड पेपर विल बी ऑफ दैट लेवल इसी का सैंपल पेपर वॉज ईजी और बोर्ड का पेपर भी इसी लेवल का होगा ठीक है टाइम मैनेजमेंट टिप्स जल्दी बता देता हूं स्विच ऑफ योर फोन ठीक है स्विच ऑफ योर फोन एंड मेक अ टाइम टेबल मेक अ टाइम टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है ना प्लान कि एक वीक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो ये प्लान कर लो पहले से मतलब ज्यादा बड़ा प्लान मत करो इस वीक आज क्या डे है आज है ना सॉरी ट्यूसडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्या क्या पढ़ोगी लिख के रख लो बस बस इतना लिख लो यू विल बी सॉर्टेड स्विच ऑफ योर नोटिफिकेशन मेक अ टाइम टेबल मेक अ प्लान एंड जस्ट दैट इज द ओनली थिंग विच यू शुड डू ठीक है बेटा वेरी गुड सो आई गेस दैट है ज्यादा कुछ है नहीं बाकी हर टीचर ने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया वॉट आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड इज की इफ यू स्टार्ट नाउ ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट है ना आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है बस वेदांतों के यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो अगर आप डेडिकेटेड हो आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो वेदांत प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ सकते हो जो आपका मन करे वैसा करो बट या प्लीज अंडरस्टैंड कि आप कौन सी कैटेगरी में हो ये बहुत जरूरी है आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप आगे बढ़ो उसी पर घूमते मत रहो और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो प्रैक्टिस करो और आपको लगता है आपने स्टार्ट ही नहीं करा तो स्टार्ट करो ठीक है अंडरस्टैंड विच कैटेगरी यू आर एंड द प्लान एक्सिक्यूट दैव अ ग्रेट डे गाइड नॉट फॉर टू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल यस yes, बेटा वीप्रो इज अवेलेबल फॉर वन मंथ सबसे अच्छा वीप्रो अवेलेबल है का आपको देखो एक अवेलेबल है सेकेंड ऑप्शन ठीक है option, ये भी आप ट्राई कर सकते हो सबसे आपको अफोर्डेबल चाहिए तो दिस इज फॉर थर्टीन हंड्रेड रुपीज देन क्रैश कोर्स इज फॉर फाइव थाउजेंड

आपको पकड़ के हम पास कराएंगे पास के आपको पकड़ के हम 90 प्लस परसेंटेज लेके देंगे ठीक है ऑन दिस नोट हैव ग्रेट डे मुझे बताना वीडियो कैसा लगा आई सी नेक्स्ट वीडियो हैव ग्रेट डे बाय टेक केयर